अनिल बैठो एक मिनट। जी सर। ये सूरज कैसा है? सही समझे सर आप, सूरज गद्दार आदमी है, कानून से खिलवाड़ कर रहा है, अहमद खान का दल्ला है, उससे रिश्वत खाता है, हमारे थाने को बदनाम कर रहा है सर। हम सभी जवान ईमानदारी से काम करते हैं तो हमको धमकाता है। अनिल आप डरो नहीं, मैं थाने का इंस्पेक्टर हूँ, मुझे शिकायत मिली है सूरज के खिलाफ, उसके बारे में मुझे सच सच बताओ, हफ्ता वसूली कौन करता है? अच्छा लगा आपने सारी बातें मुझे बता दी, मैं ध्यान रखूं, आपको मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। सर आप पहले अधिकारी आए हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, बाकी इस थाने में कोई हमारी इंस्पेक्टर नहीं सुनता। सर हम आपको दिल से सलाम करते हैं सर, अब हम दिल खोल के काम करेंगे सर, गुंडों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सबक सिखा देंगे। मैं आपको सहयोग करूंगा। ठीक है सर, ठीक, मेरे जवान मेरे साथ दें और मैं आपको जितने भी क्राइम खोर गुंडे हैं मैं पकड़ पकड़ के लाऊंगा। बिल्कुल पकड़िए। ठीक है सर मैं चलता हूँ। ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। बैठिए बैठिए। सूरज मुझे शिकायत मिल रही है आपके खिलाफ, आप हफ्ता वसूली करते हो अहमद खान से। अरे सर ये सब बेकार की बात है, आपको अनिल भड़का होगा। तुम डिपार्टमेंट का नाम गंदा कर रहे हो। अरे सर इस सरकार में ऐसा हुआ कुछ? सूरज तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठा दूंगा, तुम्हें जेल हो जाएगी और सस्पेंड हो जाओगे। अरे सर आपके पास सबूत हो ना जब बताना मुझे। सर मैंने सुना है कि सूरज डिपार्टमेंट का नाम गंदा कर रहे हैं और रिश्वत भी लेते हैं, और अहमद खान की पार्टी में भी मैंने इनको कई बार देखा था और मैंने उनको कई बार समझाया डिपार्टमेंट का नाम गंदा मत करो, लेकिन ये नहीं माने। अर्जुन जी भगवान से डरो, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने मुझे कभी देखा एमएस के साथ घूमते हुए? सर ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्यों इनकी बातों में आ रहे हो? अगर ज्यादा मुझे परेशान किया तो मैं यहाँ से ट्रांसफर करा लूंगा। साहब सुधर जाओ, सही कह रहे हैं साहब, सुधर जाओ। जाओ अहमद खान की फाइल लेकर आओ। जी साहब। जाइए आप भी। ए होमगार्ड यहीं रुक। बेटे ये खिलौने हैं हमारे सामने, हम इनसे बहुत खेलते हैं, चाहे तो तेरा भेजा भी उड़ा दें, ठीक है, मगर हमें रंगे हाथ तेरा अहमद खान भी पकड़ना है और तू भी पकड़ना है, समझे? हम मरने से नहीं डरते, क्यों आकाश भाई? ये अनिल भाई दिलेर है दिलेर, ये मरने से नहीं डरते, चला जा अपनी जान बचानी है तेरे को। ये खाकी जनता का विश्वास है समझे, ये रिश्वतखोरी की वर्दी नहीं है, मेरी माँ और मेरे बाप के खून पसीने से ये वर्दी मैंने पहनी है, समझे? तुम जैसे को ठोकने के लिए, क्राइम खत्म करने के लिए। बेशक मैं एक गार्ड हूं मगर तुम्हारी धज्जी उड़ा दूंगा मैं जिस दिन मुझे मौका मिल गया। हम मरते डरते नहीं है मरने से, हम खान साहब के चमचे हैं, एक दिन आमना सामना होगा हमारा तुम्हारा, देख लेना तुम भी एक दिन। चलो चला जा, तुझे जान प्यारी है तो। अहमद खान बड़े साहब आ गए हैं कोतवाली में, तू अपने ये गलत धंधे बंद कर दे, अफीम गांजा जुआ शराब सब बंद कर दे, नहीं मारा जाएगा। अबे हमें समझाना आया है, अगर लाख दो लाख चाहिए तो बात कर, समझे? ऐसी कीदल भक्तियों से हम नहीं डरते। तू मुझे रिश्वत दे रहा है, तुझे उठा के ले जाऊंगा जिस दिन सबूत मिल गए। हाँ जा जा, तुम कहो तो मैं इसे टपका दूं। ना सलीम ना, ये छोटा सा सिपल्ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खेलने दे अभी इसे। देखेंगे इसे, देखेंगे इसको भी। और इस अनिल को टपकाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। वार्निंग देकर जा रहा हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दे वरना मारा जाएगा अहमद खान हमारी गोली से। जा चला जा अनिल जा, वरना तेरे अफसर से तुझे रस्टिकेट करा दूंगा, समझे? जा, जा। भाई इस कुत्ते को मैं आज यहीं मार देता, आपने मुझे रोक दिया,
ये तुम्हें ले जाने की बात कर रहा? इसके मैं प्राण ले लेता है। नहीं सलीम, अभी हमें खून खराबा नहीं करना है। हसीना, सब पर कब्जा करो और सबसे इतनी सुपारी लो जिससे हम 500 बीघे की जमीन तुम्हारे नाम खरीद लें। बिल्कुल खान साहब, ये काम करके जरूर रहेंगे। हाँ, ये करी ना बात। आखिर तुम हमारी महबूबा जो हो हैं। अरे असलम जी भाई, क्या कहा उसने, पैसे भिजवाएगा या नहीं? भाईजान आप चिंता मत करो, शाम तक पैसे आ जाएंगे। पैसे आ जाने चाहिए शाम तक, नहीं तो उसके भेजे में ना इतना पीतल भर देंगे, जिंदगी में पीतल निकालने वाला ये सोचेगा ये पीतल है या पीतल की खान, समझे? जी भाईजान। सफेद जी, खान साहब क्या रहा? कल मिल जाएंगे खान साहब पैसे। हाँ, वो जो फैक्ट्री है ना, उससे जिसने हमसे 2 करोड़ रुपए लिए थे, अगर वो पैसे दे देता है तो ठीक है, वरना उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेना। ठीक है जी, समझे? ठीक है भाई। चलो ठीक है, आओ दरोगा आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। वो ये है कि मैं अपने 10 अड्डे दारू के और खोल रहा हूँ, समझे? अरे खान साहब, खोलने की बात कर रहे हो? अरे जो पिछले चल रहे हैं ना, उनको बंद करो। क्यों? हाँ, अब मैं क्या करूँ बताओ? हमारा जो कोतवाल आया ना, उसने तुम्हारी सारी फाइल खोल दी है। क्या? और वो अनिल राघव, अच्छा उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जितने काले धंधे सबके बारे में बता दिया है। अच्छा, अब वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। वो होमगार्ड, उसकी इतनी औकात? दरोगा तुम उसे कैसे ही बैला फुसला कर मेरे पास ले आओ। साले को छठी का दूध न याद जला दिया, और मेरा भी नाम खान साहब, समझे? अहमद खान, इस काम के लिए पैसा लगेगा। अरे दरोगा, तुझे लाखों रुपए महीने के चटा रहे हम, वो किस बात के चटा रहे हैं? लाखों? ये काम लाखों का नहीं है, ये काम है करोड़ों का। मुझे अपनी नौकरी बचानी भारी पड़ रही है। करोड़ों का? ठीक है दरोगा, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन तो उस इंस्पेक्टर को संभाल और उस अनिल के बच्चे को मेरे पास लेके आ। जय। ठीक है अहमद खान, मैं अब चलता हूं और उसे लेके आता हूं। हसीना दे ताली। ससुराल की गली, ससुराल की गली, बेटी चोदी गली, बन्ना जीत आया रे, ससुराल की गली, ससुराल की गली, ससुराल की गली, बेटी। मेरे बच्चों फूलो फलो और खुश रहो। बेटा खुश रहो, जीते रहो, बने रहो, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अरे बहु जीती रह, बनी रह। अरे बहु बड़ी सुंदर आई है। हाँ ताई, भाभी बहुत अच्छी आई है। हाँ बहुत सुंदर आई है बहु, तो बहु बड़ी अच्छी आई है, पट बीजना सी, देखे बहु को नजर न लग जा। मेरा लांडा सोना नार जीजी, कैसी बात कर रही हो तुम? होम गार्ड में वैसे भर्ती न करवाया मैंने अपना बेटा, पुलिस वालों के साथ रहकर सेवा करे, रात दिन बदमाशों को पकड़ा है मेरा बेटा। हाँ सेवा करिए मेरे माँ बापों की, और ताई के भी पैर दाबिए खूब। हाँ ताई बहू ठीक तो है, सेवा करिए सबकी, मोहल्ले में शिकायत ना आ जा। चाची बहू बढ़िया है, हरी खूब सेवा करेगी, मोहल्ले में शिकायत ना आवे। और तू सेवा करिए चाची की और मेरे माँ बापों की, ठीक है?
चलिया बंदर को। सुनीता बहू को अंदर ले जा, कितनी सुंदर बहू लाया मेरा बेटा। आ बेटा तू अंदर को। ऐसी तो मोहल्ले पड़ोस में भी ना। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे बचा लो, अहमद खान के गुंडों ने मेरा 10 बीघे का खेत कब्जा लिया है, मुझे अहमद खान से बचा लो। मास्टर जी आप बिल्कुल चिंता न करें, अहमद खान को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा वो याद रखेगा। साहब मुझे बचा लो, वो मेरे परिवार को मार देगा और मुझे भी मार देगा। मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे बचा लो। ठीक है आकाश जी। जी सर। हमारे थाने में कौन ऐसा जवान है जो पूरे क्षेत्र को जानता हो? सर हमारे यहाँ अनिल जी हैं, होमगार्ड के जवान हैं, जो पूरे क्षेत्र को जानते हैं। ठीक है अनिल को बुला कर लाओ। आप चिंता ना करें मास्टर जी, आपके साथ न्याय होगा। मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मुझे बचा लो। सूरज आप आ गए? जी सर। बैठिए। दरोगा जी आप क्या कर रहे हो? अहमद खान इन्हें मास्टर जी को धमकी दे रहा है, 10 बीघा जमीन हड़प रहा है। दरोगा जी जाइए अहमद खान को उठा कर लाइए, आप भी जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप बेफिक्र रहिए, चिंता ना करें। ये है हमारा घर खुशी, ये ही गरीब खाना। खुशी हम एक बात कह रहे हैं कि हमारा जिंदगी भर सही साथ निभाओगी, कभी धोखा तो नहीं दोगी? जी। और मेरे माँ बाप की सेवा करोगी? जी। देखो मैंने शादी इसलिए करी है, सबसे पहले मेरे माँ बाप की सेवा, बाद में मेरी सेवा। जी ठीक है। ठीक है ठीक है। और अपने हाथों से गरम गरम खाना, कभी ये ना हो ठंडा खाना खिलाओ। ठीक है मैं एक होमगार्ड का सिपाही हूँ और मैं दिन भर पुलिस के साथ सेवा करता हूँ। मैं इतना मालदार तो हूँ नहीं, मेरी जो भी तनख्वाह है 8-7 हज़ार, हमें उसी में गुजारा करना है। जैसे मैं रूखी सूखी रोटी खाऊंगा, क्या आप ऐसे खा लोगी? आप मुझे जैसा रखोगे ऐसे ही रहूंगी। खुशी थोड़ा घूंघट से बाहर आओ। मारी खुशी तो भाई बाकी में जन्नत है, भगवान बस नजर न लगे मेरी खुशी को। देख कितना अच्छा बेटा हमारा, कितनी अच्छी बहू लेकर आया। बेटा अच्छा तो बहू अच्छी ना आती, खूब सेवा करेगी हमारी। बेटा तो बहुत बढ़िया हमारा। अंकल नमस्ते। आंटी नमस्ते, कैसे हो अंकल जी? नमस्ते बेटा। बेटा ठीक ठाक है, और सुना बेटा कैसे आया? अंकल जी अनिल जी को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है अर्जेंट। बेटा तू तो जाने अभी अनिल की नई नई शादी हुई है, अब उसकी बहू क्या सोचेगी, अनिल की माँ बैठी रहेगी। जा इस भैया को पानी ला दे। ठीक है जी। देखो खुशी मैं आज से आप पर विश्वास करता हूँ, ठीक है? आपको घर चलाना है कैसे चलाना है, ठीक है? और मेरी ड्यूटी एक होमगार्ड में, और मैं तो रात दिन सेवा करता हूँ जनता की। बस आपसे मेरा ये अनुरोध है मेरे माँ बाप की सेवा करना, आप बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है जी। बेटा अनिल कोई दीवान जी आए हैं, कह रहे कि इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। ठीक है माँ बैठा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है खुशी हमें जाना होगा, शायद साहब ने बुलाया, कोई अर्जेंट काम होगा। ठीक है जी। आप चिंता ना करें मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगी। तुम्हें पता है हमारी पहली मुलाकात है? हाँ मुझे पता है आज हमारी पहली मुलाकात है, तुम चिंता मत करो मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है ना, आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगी। अंकल जी अनिल भाई की शादीवादी हुई है, लड्डू खिलवाओ बर्फी मंगवाओ। अरे बेटा खुशी का माहौल है, तुझे लड्डू तो लड्डू, मैं तुझे बर्फी भी खिलवाऊंगा। जिस काम को पहले आयो पहले उस काम को करो। जी। मेरे बेटे को जल्दी छोड़ जाना, मुझे बहू की चिंता, मेरी बहू क्या सोचेगी। ठीक है अंकल जी। ले बेटा पानी पी। आकाश भाई क्या बात थी? क्या बताऊं अनिल भाई, साहब ने बुलाया है, जाना जरूरी है। तुमको पता है आज मेरी शादी हुई है, बहू क्या सोचेगी। आप जानते हो साहब ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा,
ड्यूटी तो करनी है। तो फिर ऐसे ही चलें? नहीं वर्दी पहनूं। चलो मैं वर्दी लगा के आता हूँ। ठीक है बेटा। एसएस आपको कौन सा अर्जेंट काम आ गया? अभी तो नई नई शादी हुई है हमारे बेटे की। अंकल जी क्या बताएं आपको, साहब ने बुलाया, कुछ अर्जेंट काम है। और अंकल जी साहब के बहुत सख्त ऑर्डर हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बेटा थोड़ा जल्दी भेज देना अनिल को, नई नई बहू आई है, क्या सोचेगी। ठीक है आंटी जी, हम जल्दी भेजेंगे। आकाश भाई चलो, हो गए रेडी? ठीक है बापू, माँ मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कैसे बुलाया? अनिल जी आप हमारे बड़े हिम्मत वाले जवान हो, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आप हमारी पुलिस फोर्स की शान हो। जी सर। आप हमें सारी जानकारी दो, आप क्षेत्र का क्राइम कम करने में पब्लिक को सपोर्ट करो। ओके सर। अरे सर आप सही कह रहे हो, ये हमारा जवान हिम्मत वाला जवान है हमारा, जितना हमारा काम होता हमारे हिस्से का काम भी ये सारा कर देता है, हमें इस पे बहुत गर्व है। सर भाई का जलवा है पूरे क्षेत्र में। और साहब बदमाशों को झट से पकड़ लेते हैं, मरने से डर भी नहीं लगता इन्हें। इसलिए तो मैं तुमसे सलाह मशवरा ले रहा हूँ। और अनिल आपको अभी जाना है अहमद खान के गुंडों को पकड़ने के लिए, दरोगा जी को साथ ले जाना। ठीक है सर। सूरज जी आप टीम लीडर हो, फोर्स ले जाओ और गाड़ी ले जाओ, और उन गुंडों को छोड़ना नहीं है, सबको ला उठाकर। ठीक है सर, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। सर मैं भी टीम के साथ जाऊं? हाँ बिल्कुल जाओ। वर्दी में जाऊं या सिविल से? आप सिविल में जाना। जी सर। और ध्यान रखना। चलिए अनिल जी हमें बहुत बेचैनी है, पकड़ते हैं अहमद खान को चल के। ठीक है सर। चलिए। ठीक है जाइए। ला बेटा झाड़ू मैं लगा लूं, बर्तन रखे नल पे, तू बर्तन मांग ले। ला झाड़ू पकड़ा। ठीक है माँ जी। माँ जी कचरी मैं सुखा दूंगी, आप बैठ जाओ, परेशान मत हो, मैं कर लूंगी काम। अरे बहू सारे काम तू ही थोड़ी करेगी, कुछ काम मैं भी कर लूंगी। अरे अनिल की माँ मैं खेत पे जा रहा हूँ, और जब अनिल आ जावे ना तो मेरी रोटी खेत पे भिजवा दियो। ठीक है जी। ठीक है। अनिल चलो बड़ो आगू चलो। माधुर चास पुलिस आ गई। सलाम तालीम अहमद भागो। भाईजान तुम पीछे टो, इन्हें मैं देखता हूँ। माधुर चास ले 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 ले। अहमद खान मारा जाएगा हमारे हाथों से। ले 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 ले। गोली खत्म हो गई, तुम जाओ मैं देख लूंगा, भागो। अहमद खान बंदूक नीचे गिर दे, हाथ उठा ले वरना गोली मार दूंगा, सावधान। होमगार्ड तू भी अपनी बंदूक नीचे कर दे। एक गोली बची है तेरे नाम की, हाथ ऊपर खड़े कर ले वरना मार दूंगा, काउंटर कर दूंगा तेरा। दरोगा 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 तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। मेरी बहू मेरे बाबा मेरा वेट कर रहे होंगे,
तूने अच्छा नहीं किया दरोगा। वाह दरोगा वाह, ये दिखाई है तूने पूरी वफादारी। अनिल जिंदा है या मर गया, तू ही है ना पुलिस का वफादार है? आखिरकार मारा गया ना, आखिर आ गया ना मेरे चुंगल में। अरे अहमद खान से ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो बच सके। वाह दरोगा वाह, तूने भी निभाई खूब वफादारी। जा हम तुझे माला माल कर देंगे, तेरी सात पीढ़ियां खुश हो जाएंगी, याद करेंगी खान को कि कोई अहमद खान था। अहमद खान, हमारे रास्ते में जो आएगा वो ऐसी कुत्ते की मौत मरेगा, अब तुम खुल के धंधा करो। हाँ दरोगा, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम मरेंगे। अहमद खान खुश हुआ। ऐसा सोचा नहीं था जो मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा बेटा दुनिया में न रहा थी। सुनी था मेरा बुढ़ा पालो कैसे मिटेगा। अनिल कैसे करेंगे हमारा हमें छोड़ के चला गया। बेटा मैंने तुझे कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा शहीद हो गया, अब हमारा कैसे बुढ़ापा कटेगा मेरे लाल। बापू क्या होगा मेरा, अब मैं कैसे रहूंगी। बेटी तू फिकर मत कर, वादे करके गए थे अभी तक भी नहीं आए। सुनीता बेटी तो चिंता मत कर, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं रह सकती इनके बिना। प्रधान जी सर जी मुझे भी भर्ती कराओ, मुझे बदला लेना अपने अपने पति का, मैं कैसे रहूंगी अब। बहू मैं प्रधान जी के हाथ पांव जोड़ूंगा और पुलिस में जाके मैं तेरी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बेटे का बदला लिवाऊंगा बहू मैं। बेटा सब तेरे साथ हैं, सारा गांव तेरे साथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बेफिक्र होके हम आपको पूरी मदद करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है प्रधान जी, आप हमारा साथ दो, मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ और मैं इंसाफ दिलवा दो। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था, देश के बारे में इतनी भलाई सोचता था। प्रधान जी मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, मैं खुशी को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ले जा रहा हूँ और इसे कल ट्रेनिंग पे जाना है। इंस्पेक्टर साहब आपने ये बहुत बढ़िया करा, अब बहू हमारे बेटे का फर्ज निभाएगी, बहुत बढ़िया किया। इंस्पेक्टर साहब हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और प्रधान जी हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, अब तो बेटी भी हुई है और बेटा भी हुई है। प्रधान जी इसको कल ही जाना होगा, खुशी को पेपर मैंने तैयार करा लिए हैं, तैयार रहना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल मैं रेडी रहूंगी सर, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। ठीक है प्रधान जी, तैयारी करिए हम निकलते हैं।
जय हिंद। खुशी जी की पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है जी। खुशी जी आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई? मेरे लिए क्या आदेश है सर? आदेश ये है आपके लिए, अहमद खान के जितने भी अड्डे हैं उनको तबाह करो और उन गुंडों को पकड़कर थाने में बंद करो, और साथ में अर्जुन दरोगा जी को ले जाओ और अभी पकड़ कर लाओ, और फोर्स को ले जाओ। जी ठीक है सर। सूरज दरोगा जी आप अहमद खान को पकड़ कर लाइए, आपके लिए एक चांस है अच्छा साबित होने का, वरना मैं माफ नहीं करूँगा। जी सर। जाइए। जय हिंद सर। और मेरी हसीना मेरा साथ देगी ना भाई, मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? अरे मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगी। अरे कैसी कैसी बात कर रहे हो, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है ठीक है। साले को मारो। चलो कुत्तों छोड़ूंगा नहीं तुमको। किसने मुखबरी कर लिया मदर चौथ, छोड़ूंगा नहीं। हसीना आज लगता है कि मारे जाते थे। नहीं ऐसा नहीं होगा, कौन ऐसा नहीं होने देंगे हम। तू मेरा है, मेरा ही रहेगा। छोड़ मुझे। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं जो भांड को पकड़ ले, जरूर किसी ना किसी ने मुखबरी की है। इंस्पेक्टर तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरे सारे अड्डे बंद करा दिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, जेल में सड़ा दूंगा तुम्हें। जेल में? अरे जेल तो मेरी ससुराल है, आए दिन जाता हूं मैं अपनी ससुराल, समझे? लेकिन तुम अपना आगे पीछे सोच लो, बर्बाद कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं एक एक को, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर चुप। अहमद खान तेरे हलक में डंडा दे दूंगा, पैदा होने से पहले तेरी सात नस्लें भी सोचेंगी कि अहमद खान के कुनबे में पैदा हूं कि नहीं हूं, समझे कि नहीं? सूरज दरोगा आप इनके तलवे चाटते थे, देख लिया? सर मुझसे गलती हो गई, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे डिपार्टमेंट का नाम गंदा हो। अब मैं जीऊंगा भी कानून के लिए और मरूंगा भी कानून के लिए। अहमद खान वो दिन गए जब तेरी शहर में तूती बोलती थी, अब हमारे अफसर आए हैं, अब जो ये बोलेंगे वो करूंगा मैं। आज मैं तुझे इतना मारूंगा तू सोचने को मजबूर हो जाएगा, खाऊं कहां से और निकालूं कहां को। दरोगा वो दिन भूल गया जब तू मेरे तलवे चाटता था, अपने बच्चों के लिए फीस मांगता था, गिड़गिड़ाता, ए भगवान अहमद भाई मुझे पैसे दे दो,
मेरे बच्चों की फीस जाएगी। और आज तो मुझ पर हावी हो रहा है, मुझे पकड़ रहा है, बाजी पलट रहा है। इंस्पेक्टर, अभी भी वक्त है, छोड़ दो मुझे, वरना एक दिन खून में लिपटे हुए सड़क पर पड़े नजर आओगे। चुप अहमद खान, थाने में इतना रोब, थाने में किसी की हिम्मत नहीं है। अर्जुन जी, इसे अंदर ले जाओ और इसे नंगा करके और इसको थर्ड डिग्री इस्तेमाल करो। ए इंस्पेक्टर साहब, तुझे पता नहीं है हम कौन है? जल्दी ऊपर जाना चाहता है। तू कौन है? सर, ये वही लड़की है जिसने मेरे पति को मारा, दोनों ने ये इसी की से कट लिया। अच्छा, इसका भी रिमांड लो। और अर्जुन जी, इसका ठीक से रिमांड लेना। जाइए। चल बे। और इसको भी रिमांड पे लो। आपका बेटा जो है शहीद हुआ है और आपके गांव का नाम रोशन किया। इंस्पेक्टर साहब, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे बेटे ने देश के अंदर नाम रोशन किया। मेरा जवान बेटा मेरे हाथों से चला गया। मेरा बेटा इस देश के चक्कर में शहीद हो गया। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है आप लोगों ने मेरे बेटे की बहू को इस महकमे में भर्ती करके और मेरे बेटे की बहू ने भी बहुत बढ़िया फर्ज निभाया। सुनीता, सुनीता तू चिंता मत कर। प्रधान जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वालों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बहू को इस लायक समझा। ये बहू नहीं, आज से ये इस गांव की बेटी। माता जी, हम ये कमी पूरी तो नहीं कर सकते अनिल की, पर आज से तुम हमें अपना बेटा समझो। हम बेटे होने का अपना फर्ज पूरा निभाएंगे। जो भी तुम्हारी समस्या है हमको बताना। प्रधान जी, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ और सब लोगों की, और दिल से थैंक यू। आप बेहिचक होकर थाने में आ जाना, कोई भी आपकी समस्या होगी मेरे पास चले आना। आपने अपने बेटे को पुलिस को सौंपा है, पुलिस की भी ड्यूटी बनती है कि उसके एवज में आपके लिए कुछ ना कुछ करे। हम आपके पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे। आंटी जी, हमारा पूरा महकमा आपके साथ रहेगा। और मेरी गलती रही और मैं अनिल जी को घर से लेकर चला गया। मुझे माफ कर दो, अनिल मेरा बहुत अच्छा मित्र था और हम दोनों साथ में ड्यूटी करते थे। मुझे इस महकमे पर इतना ही विश्वास है। इस महकमे में मेरे बेटे का भी और मेरे बेटे की बहू का भी बहुत साथ दिया। साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरा बेटा इस दुनिया में ना रहा। बेटा तू चुप हो जा, मेरी बेटी, बेटी तू चुप हो जा, बेटा तू चिंता मत कर। कैसी रही हमारी फिल्म पुलिस होमगार्ड की देशभक्ति? और हमारे सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, कोई PCS, कोई IAS बनाता है, कोई सिपाही बनाता है, कोई होमगार्ड में भर्ती करता है, कोई शोधी करता है। तो हमारे जवान ने कैसे करके दिखाया, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके घरवाले ने बड़े विलन को जेल भेज दिया। तो सभी फिल्म को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।